हेलो दोस्तों, कोई रेलवे स्टेशन किसी एक लड़की की वजह से बंद हो जाए यह सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, और वो भी तब जब वह स्टेशन को खुले हुए 7 साल ही हुए हों। आपको शायद ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। यह रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ज़िले में है, जिसका नाम बेगुन कुडोर रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन साल 1960 में खुला था। यह स्टेशन खुलने के बाद कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। साल 1967 में इस रेलवे स्टेशन के एक कर्मचारी ने स्टेशन पर एक महिला का भूत देखने का दावा किया। अगले दिन उस रेलवे कर्मचारी ने लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। असली परेशानी तो तब शुरू हुई जब स्टेशन मास्टर और उनका परिवार रेलवे क्वार्टर में मृत अवस्था में पाया गया। यहाँ रहने वाले लोगों का दावा था कि इन मौतों में उसी भूत का हाथ था। उनका कहना था कि सूरज ढलने के बाद जब भी कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती थी तो महिलाओं का भूत उसके साथ साथ दौड़ने लगता था, और कभी कभी तो ट्रेन से भी तेज दौड़कर उसके आगे निकल जाया करता था। लोगे के अंदर इस महिला का भूत इतना खौफ भर चुका था कि वो उस स्टेशन पर आने से कतराने लगे। धीरे धीरे यहाँ लोगों का आना जाना बंद हो गया, यहाँ तक कि स्टेशन पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारी भी डर के मारे भाग गए। इस स्टेशन पर जब भी किसी रेलवे कर्मचारी की पोस्टिंग होती तो वह तुरंत ही यहाँ आने से मना कर देता, यहाँ तक कि इस स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना भी बंद हो गया, क्योंकि डर के मारे ना तो कोई यात्री यहाँ उतरना चाहता था और ना ही यहाँ से कोई ट्रेन पर चढ़ने के लिए आता था। इसके बाद से ये पूरा स्टेशन सुनसान हो गया। यह भी कहा जाता है कि उस वक्त जो भी ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती थी तो लोको पायलट स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन की गति बढ़ा देता था, ताकि जल्द से जल्द वो इस स्टेशन को पार कर सके। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे लोग स्टेशन आने से पहले ही खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते थे। हालांकि साल 2009 में गाँव वालों के कहने पर तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर इस स्टेशन को खुलवाया। तब से लेकर अब तक इस स्टेशन पर किसी भूत के देखे जाने का दावा तो नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी लोग सूरज ढलने के बाद इस स्टेशन पर नहीं रुकते हैं। दोस्तों, आपके इस स्टेशन के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक ऐसे ही अनोखे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।